कहानी की शुरुआत होती है और हम हुओ को मेहमानों के लिए खाना पकाते हुए देखते हैं। आज उसके भाई युएनियंग की शादी है, जिसे बर्बाद करने के इरादे से एक लड़ाकू दावत में हाथापाई शुरू कर देता है। रोकने की कोशिश करने पर वो युएनियंग पर टूट पड़ता है। आखिर वो है कौन और चाहता क्या है? पूछने पर वो बताता है कि कंपटीशन में युएनियंग के पिता ने उसके पिता को बुरी तरह से घायल किया था, इसलिए वो आज अपने पिता का बदला लेने आया है। ये बोलकर वो जैसे ही हमला करता है, बीच में हुओ आ जाता है। दोनों के बीच हो रही हाथापाई में हुओ भारी पड़ता है और आखिर में उसे धूल चाटने पर मजबूर कर देता है। लेकिन तभी बीच में आकर हुओ के पिता उसे रोक लेते हैं। एकांत में हुओ के पिता पूछते हैं कि उसने मार्शल आर्ट्स कहां से सीखा, पर हुओ चुप्पी साधे रहता है। उसके पिता बताते हैं कि हुओ को मार्शल आर्ट्स ना सिखाने की वजह यह है कि उसके अंदर क्रोध भरा है, जबकि मार्शल आर्ट्स को ग्रहण करने के लिए इंसान को विनम्र होना चाहिए, तभी वो मार्शल आर्ट्स का सही उपयोग कर सकता है। ये सुनकर हुओ खुद को रोक नहीं पाता है। वो बताता है कि विनम्र बनकर उन्हें दुनिया से अपमान और ठोकरें मिली। अगर एक बार वो विनम्रता त्याग कर अपना क्रोध दिखाते तो आज दावत में वो आदमी उन्हें उंगली दिखाने की जुर्रत नहीं कर पाता। पलट कर जवाब देने के लिए हुओ के पिता उस पर हाथ उठा देते हैं और नाराज होकर हुओ घर छोड़कर चला जाता है। आगे हम जिनसुन को देखते हैं, जो काम के बीच पहले मजदूरों को खाना खिलाने के लिए कहता है। लॉर्ड योन शाही जनरल का खास आदमी है, जो जिनसुन के काम में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करता है, पर जिनसुन उसकी कमजोरी को जानता है। कुछ पैसे देकर वो लॉर्ड योन को मना लेता है। तभी वहाँ मिस्यो आती है। उसके साथ एक अनजान बुजुर्ग को देखकर लॉर्ड योन उसका परिचय पूछता है। जिनसुन उसे एक डॉक्टर बताता है, जिसे कुछ खास काम के लिए जिनसुन ने ही यहाँ बुलाया है। लॉर्ड योन को जिनसुन पर शक होता है, वो हाथापाई करने पर उतर आता है। उसी वक्त हुओ वहाँ पहुँचता है और समझाने पर भी बात न मानने वाले लॉर्ड योन को लात और घूसों से सबक सिखाता है। एकांत में बुजुर्ग जिनसुन को अपने महाराज फूशेंग का संदेश देता है, जिससे जिनसुन को पता लगता है कि शाही घराने की महारानी ने अपने फायदे के लिए चीन की सुरक्षा को दांव पर लगा दिया है और सत्ता पाने की लालच में फूशेंग को खत्म करने का आदेश दे दिया है। पर देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों से फूशेंग मुंह नहीं मोड़ सकता है। देश की भलाई के लिए वो महारानी को सत्ता हथियाने से रोकना चाहता है, जिसमें जिनसुन को भी अपना सहयोग देना होगा, वरना चीन में तानाशाही का डंका बजेगा और आवाम को गुलाम बनने पर मजबूर होना पड़ेगा। बुजुर्ग बताते हैं कि सिर्फ फूशेंग ही नहीं, बल्कि पूरे टियानजिन शहर पर महारानी की बुरी नजर है। जिनसुन आश्वासन देते हुए कहता है कि जितना हो सके वो अपना सहयोग देने की कोशिश करेगा। डिनर करते वक्त जिनसुन मदद करने के लिए हुओ का शुक्रिया अदा करता है। चीन को उसके जैसे ही मजबूत नौजवानों की जरूरत है, वो समाज को सही रास्ते पर ले जा सकता है। देशभक्ति जैसी बातें हुओ को बोर करती हैं। वो तो बस टियानजिन में अपने हुनर से नाम कमाना चाहता है, जिस पर जिनसुन उसे मार्शल आर्ट स्कूल खोलने की सलाह देता है। हुओ बताता है कि उसके खानदानी परंपरा के मुताबिक वो किसी को भी मार्शल आर्ट्स नहीं सिखा सकता है, पर क्योंकि हुओ परंपरा जैसी चीजों को नहीं मानता है, इसलिए वो टियानजिन में सबसे बड़ा मार्शल आर्ट स्कूल खोलने का सपना संजो लेता है। लेकिन उससे पहले जिनसुन बताता है कि चुने गए 7 कुंफू मास्टर से उसे मुकाबला करना पड़ेगा और उन्हें हराने के बाद ही हुओ स्कूल खोल पाएगा। हुओ को अपनी ताकत पर पूरा भरोसा है। मुकाबले के लिए बिना सोचे समझे ही वो तैयार हो जाता है। इसी बीच महारानी के लोग फूशेंग के सहायक को ढूंढते हुए जिनसुन के घर पहुंचते हैं और अकेला पाकर फूशेंग के सहायक को मौत के घाट उतार देते हैं। इस घटना से मियो के पिता घबरा जाते हैं। वो महारानी के खिलाफ जिनसुन की मदद कर रहे हैं, अगर ये बात बाहर आ गई तो महारानी उसे खत्म कर देगी। इस डर से मियो के पिता टियानजिन छोड़कर दूसरे शहर जाने का फैसला कर लेते हैं। लेकिन जाने से पहले जिनसुन एक आखिरी बार मदद करने के लिए मियो के पिता को मनाता है। अगले दिन हुओ टियानजिन के शेंगू मार्शल आर्ट स्कूल पहुंचता है और वहां के मास्टर को चैलेंज कर देता है। हुओ कोई नौसिखिया है, ये सोचकर मास्टर अपने चेले को उसके सामने कर देता है, जो हुओ के एक ही लात में ढेर हो जाता है। बात इज्जत पर आने से मास्टर मुकाबले के लिए तैयार तो हो जाते हैं, लेकिन हुओ का सामना करते हुए मास्टर के पसीने छूटने लगते हैं। हुओ को हराने की जल्दबाजी में मास्टर भूल कर बैठते हैं और हुओ मुकाबले को जीत जाता है। लूशेंग के मुंह से हुओ के जीतने की बात सुनकर जिनसुन उसे बधाई देता है। तभी वहां महारानी का वफादार जनरल युवान आता है। हुओ के इस कारनामे के बाद कोई भी अब से कुंफू सीखने के लिए शेंगू स्कूल नहीं जाएगा। जनरल के इतना कहते ही जिनसुन उसके आने की वजह पूछता है।
जनरल कहता है कि जो बुजुर्ग डॉक्टर जिनसुन के फार्मेसी में काम करने आया है वो उसे अपने साथ ले जाना चाहता है। जनरल के मालिक की हालत बहुत खराब है, उन्हें डॉक्टर की सख्त जरूरत है। जिनसुन बहाने बनाते हुए कहता है कि काम पूरा करके डॉक्टर जा चुके हैं और फिलहाल उसके पास दूसरा कोई डॉक्टर नहीं है, जिस पर लोडियन फिर से झगड़े की शुरुआत कर देता है और हुओ के बीच में पड़ने से मामला बिगड़ ना जाए इसलिए जनरल दोबारा आएगा ये कहकर चला जाता है। वहां से जनरल युआन शुनयांग के हेड वांगू के पास जाता है। वांग परिवार का सदस्य हुओ परंपरा के विरुद्ध जाकर मार्शल आर्ट्स के नियमों का उल्लंघन कर रहा है ये बात बताता है। अगर उसने स्कूल खोला तो टियानजिन में उसके सामने टिक पाए ऐसा कोई मर्द पैदा नहीं हुआ होने वाली बात हो जाएगी, जिससे टियानजिन के हर मार्शल आर्टिस्ट को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वांगू बताते हैं कि वो रिटायर हो चुके हैं, अगर उन्होंने हुओ से मुकाबला किया तो मार्शल आर्ट्स के नियमों का उल्लंघन होगा, इसलिए वो अपने सबसे बेहतरीन शिष्या को हुओ से मुकाबला करने की जिम्मेदारी सौंपते हैं। कबूल नामा पाकर हुओ मुकाबले के लिए पहुंचता है और कड़ी टक्कर देते हुए पहले मास्टर को हरा कर मुकाबले में आगे बढ़ता है। दूसरे मास्टर को नेत्रहीन पाकर टक्कर बराबरी का हो इसलिए हुओ भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेता है और मुकाबला शुरू करता है। अपनी स्थिरता और टेक्निक से हुओ ये मुकाबला भी जीत जाता है। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे एक एक करके हुओ सारे मास्टर्स को धूल चटा देता है। पर आखिर में वांगू की ओर से लड़ने वाली मास्टर एक औरत है, ये देखकर हुओ लड़ने से कतराता है। वांगू रिटायर हो चुके हैं ये जानकर भी हुओ उनका मजाक उड़ाता है, पर स्कूल खोलना है तो मुकाबला करना ही पड़ेगा इसलिए मजबूरी में उसे लड़ना ही पड़ता है। मुकाबले के बीच हुओ के अटैक से वांगू के शिष्या की मौत हो जाती है। उसी वक्त हुओ किसी की परछाई को देखता है और जनरल युवान को वहां आते देख हुओ शिष्या की मौत का कारण जान जाता है। वो समझ जाता है कि जनरल युवान कोई चाल चलने वाला है। कबूल नामे के मुताबिक हुओ को स्कूल खोलने की परमिशन मिल जाती है। जाते हुए जनरल युवान उसे रॉयल कोर्ट और महारानी के लिए काम करने का प्रस्ताव देता है, जिसके बदले हुओ को सारे ऐशो आराम और इज्जत से जीने का सौभाग्य मिलेगा। लेकिन हुओ जनरल के प्रस्ताव को लात मारकर वहां से चला जाता है। घर पहुंचने पर पता लगता है कि जनरल युवान के लोगों ने जिनसुन को किडनैप कर लिया है। लुशेंग ड्रॉर से फुशेंग का पत्र निकाल कर लाता है, जिसे पढ़कर हुओ को सारा माजरा समझ में आ जाता है। जनरल युवान जिनसुन को मिस्टर टैन का पता बताने के बदले मनचाही दौलत देने का लालच देता है। जिनसुन एक सच्चा देशभक्त है, देश के हित के लिए वो मर मिटने का जज्बा रखता है। वो जनरल युवान से कहता है कि महारानी सत्ता की लालच में देश की सुरक्षा को खतरे में डाल रही हैं, जिसमें जनरल युवान उनकी मदद कर रहा है। जिनसुन जनरल युवान से कहता है कि चाहे वो जितना भी जोर लगा ले, लेकिन महारानी के मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे। जिस पर जनरल युवान भी ताव दिखाते हुए कहता है कि चाहे टियानजिन में खून की नदियां ही क्यों ना बह जाए, वो मिस्टर टैन को ढूंढकर उसे खत्म कर देगा। अपनी शिष्या की मौत का बदला लेने के लिए वांगू हुओ के पास आ खड़े होते हैं। वहीं जिनसुन भी रास्ता साफ पाकर जनरल युवान के कैद से भाग निकलता है। हुओ जिनसुन के बदले मिस्टर टैन को सौंपने का नाटक करता है, जिसके बारे में जनरल युवान को पहले से ही पता होता है, क्योंकि उसके लोग जिनसुन का पीछा करते हुए मिस्टर टैन तक पहुंचने ही वाले होते हैं। तभी मास्टर वांगू को हुओ के साथ देखकर जनरल युवान चौंक जाता है। रिटायरमेंट के बाद दोबारा लौटकर वो मार्शल आर्ट्स के नियमों का उल्लंघन कैसे कर सकते हैं? जनरल के पूछने पर वांगू जवाब में कहते हैं कि महारानी का हुक्म मानते मानते जनरल एक सिपाही से गुलाम बन बैठा है, जो चीन को विदेशी ताकतों के अधीन करना चाहता है, इसलिए देश की खातिर अगर सिर भी कटाना पड़े तो वांगू पीछे नहीं हटेंगे। ये सुनकर जनरल के सिपाही उन पर टूट पड़ते हैं। वहीं जिनसुन का पीछा करते हुए जनरल युवान के लोग मिस्टर टैन के करीब पहुंच जाते हैं और पूरे टियानजिन में खून खराबा मच जाता है। वांगू जनरल के लोगों से अकेले भिड़ते हुए हुओ को मिस्टर टैन की सुरक्षा के लिए जाने को कहते हैं। ना चाहते हुए भी मजबूरी में हुओ को मास्टर वांगू का साथ छोड़कर जाना पड़ता है। चारों तरफ से जिनसुन घिर जाता है। लोडियन मिस्टर टैन को मार ना डाले, उसे रोकने के लिए बीच में आकर लुशेंग खुद को कुर्बान कर देता है, पर इसके बाद भी जिनसुन लोडियन को रोक नहीं पाता है। वो मिस्टर टैन तक पहुंचने ही वाला होता है कि तभी मौके पर हुओ पहुंच जाता है। बेकसूर लुशेंग को तड़प तड़प कर मरते देख हुओ खुद पर काबू नहीं रख पाता है।
और बुरी तरह लोडियोन को पीट पीट कर उसकी जान ले लेता है। जनरल के लोगों के साथ लड़ते हुए मास्टर वांगू भी कुर्बान हो जाते हैं। मिस्टर टैन की सुरक्षा के बाद हुओ वापस लौटता है। एक बहादुर मार्शल आर्टिस्ट वांगू, जिसने देश के लिए अपनी जान तक निछावर कर दी, उनके कटे सर को झूलता देख हुओ खून का प्यासा बन जाता है। एक एक करके हुओ सबको बद से बदतर मौत देता है। महारानी का वफादार जनरल युवान भी हुओ के गुस्से के आगे कमजोर पड़ जाता है। तभी वांगू के शहादत का मजाक बनाकर हुओ को बेबस करने के लिए जनरल युवान मास्टर वांगू के कटे हुए सर को जमीन पर पटकने की कोशिश करता है और बताता है कि महारानी के खिलाफ जाने वाले हर विद्रोही का यही अंजाम होता है। तभी खूंटा छाती में गाड़कर हुओ जनरल युवान को मौत की नींद सुला देता है और मास्टर वांगू का सर बाइज्जत अपने साथ ले जाता है। दुनियादारी के मुद्दों में पड़कर हुओ को अपने पिता की कही हुई बात याद आती है कि मार्शल आर्ट सीखने से पहले उसे एक अच्छा इंसान बनना सीखना होगा, वरना क्रोध उसे खून का प्यासा बना देगा। घर लौटने पर उसके पिता मर चुके होते हैं। हुओ को उसकी माँ एक पत्र देती है, जिससे पता लगता है कि हुओ के याद में उसके पिता ने तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ दिया और स्वर्ग सिधार गए। पर उन्हें आशा है कि हुओ एक रोज एक अच्छा इंसान और एक अच्छा मार्शल आर्टिस्ट बनकर उनके कुल का नाम रोशन करेगा। इसलिए हुओ अपने पिता की आखिरी इच्छा के मुताबिक नेकी की राह पर चल देता है। अपनी कला से देश को सशक्त बनाने की क्रिया शुरू करता है और इसी के साथ इस कहानी का अंत हो जाता है।